नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस खाद को किस खाद के साथ नहीं मिला सकते। किसान साथियों, जब भी हम अपनी किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो हम डीएपी का इस्तेमाल जरूर करते हैं, और ये सलाह भी दी जाती है कि डीएपी का इस्तेमाल हमें लास्ट जो जुताई है, जब हम अपनी बेसल डोज डालते हैं किसी भी फसल का, जो सबसे पहला खाद हम डालते हैं, उस समय पे डीएपी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। किसान साथियों, डीएपी के साथ हम कौन कौन सी खाद नहीं मिला सकते, आज हमारा यही टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे किसान भाई डीएपी के साथ बुआई के समय कई ऐसी खादों का प्रयोग कर लेते हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद हमें ना तो डीएपी का लाभ मिलता है ना ही उस दूसरी खाद का लाभ मिलता है। किसान भाइयों, डीएपी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुआई के समय, चाहे वो गन्ना फसल हो, चाहे वो सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे सरसों हो, सभी फसलों में किसान भाई डीएपी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो जो सबसे पहली खाद है किसान साथियों डीएपी के साथ, वो है जिंक सल्फेट। डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट, और इसके साथ जिंक सल्फेट का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही हमें डीएपी का लाभ मिलेगा ना ही हमें जिंक का लाभ मिलेगा, बल्कि इन दोनों को मिलाने से हमारे दोनों खाद बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे, हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए डीएपी के साथ जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले आप बुआई में डीएपी का इस्तेमाल करो, आप पहले पानी या दूसरे पानी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। अगली जो हमारी खाद है किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट, बहुत ही अच्छी खाद है जिसका इस्तेमाल मैंने बताया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, हमारा जो फसल है वो बहुत ही ग्रीनरी पे आ जाती है इसका इस्तेमाल करने से, फोटोसिंथेसिस की मात्रा बढ़ती है हमारे पौधे में, लेकिन हम इसका इस्तेमाल भी डीएपी के साथ नहीं कर सकते। डाई अमोनियम फॉस्फेट के साथ मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें भी हमें गैप देना है, कम से कम 20-25 दिन का गैप। अगली जो हमारी खाद है किसान साथियों, क्योंकि मैं इसलिए डीएपी के साथ ही बता रहा हूँ क्योंकि डीएपी के साथ ही सबसे ज़्यादा फॉस्फेट के साथ सल्फेट क्रिया करता है, और डीएपी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किसान भाई करते हैं। तो बहुत सारे किसान भाई देखेंगे इस वीडियो को सुनने के बाद कि हमने भी इस्तेमाल करा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान कहते हैं कि भाई मैंने तो ये चीज़ इस्तेमाल कर ली और मुझे फ़ायदा नहीं मिला। तो अगली जो हमारी खाद है आयरन, या जिसको हम फेरस सल्फेट भी कह देते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप डीएपी के साथ नहीं कर सकते, और मैंने खुद देखा है कि फेरस को कई मेरे किसान भाई डीएपी में मिला के डालते हैं। आप यूरिया में मिला के डाल सकते हैं, पानी पानी सा हो जाता है, लेकिन डीएपी के साथ नहीं डाल सकते। आप मैग्नीशियम सल्फेट को भी यूरिया में मिला सकते हैं, जिंक को भी यूरिया में मिला सकते हैं, आयरन को भी यानी फेरस को भी यूरिया में मिला सकते हैं, लेकिन डीएपी के साथ नहीं मिला सकते। यानी मैं लास्ट में एक चीज़ बताऊं आपको, किसी भी फास्फेट खाद के साथ आप सल्फेट खाद नहीं मिला सकते। जिस खाद में फास्फेट लगा हुआ है उसके साथ जैसे आप सल्फेट नहीं मिला सकते, आप कैल्शियम नाइट्रेट भी नहीं मिला सकते डीएपी के साथ। बहुत सारे किसान भाई मैंने देखा बिल्कुल एक साथ मिलाते हैं, डीएपी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट मिला के बिखराव कर देते हैं, आप उसको भी नहीं मिला सकते। ये एक अकेली खाद है जो डीएपी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट भी नहीं मिला सकते, वरना सीधा सीधा इसको जानने का तरीका ये है कि डीएपी यानी फास्फेट के साथ सल्फेट नहीं मिला सकते। एक खाद और है किसान भाइयों, पोटाश, जिसका इस्तेमाल सभी किसान भाई करते हैं, पोटाश यानी एमओपी के साथ अमोनियम सल्फेट नहीं मिला सकते, केवल यही एक ध्यान रखने वाली बात है। पोटाश के साथ अब अमोनियम सल्फेट नहीं मिला सकते, बाकी और सब खादों का जो कॉम्बिनेशन है वो किया जा सकता है, लेकिन मेन जो तीन चार खादें हैं इनको आप नहीं मिलाइए बिल्कुल भी। डीएपी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट, डीएपी के साथ जिंक सल्फेट, डीएपी के साथ मैग्नीशियम सल्फेट, डीएपी के साथ फेरस सल्फेट, और पोटाश के साथ अमोनियम सल्फेट, ये आप नहीं मिला सकते। अन्यथा
ये सारी खादें यूरिया के साथ मिल सकती हैं। अन्य कोई भी ग्रोथ प्रमोटर है, सागरिका या बायोवीटा या कोई भी खाद है, आप आपस में मिला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।